उस पर आज मैं झुकेगा नहीं। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर क्रिएटिव वीडियो। तो यार, सबसे पहला जो काम है आप लोगों का, वो है इस वीडियो को लाइक करना। जी हाँ, सबसे पहले इसको अभी लाइक कर दो, क्योंकि यार इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। तो अभी जो आपने ये वीडियो देखी, ये सभी कुछ हमने किया अपने मोबाइल से, कलर ग्रेडिंग, वीडियो एडिटिंग, वीडियो शूटिंग। तो आपको कैसे करना ये सब चीज़ अगर आप अपने मोबाइल से करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। आप इसमें देखेंगे साथ में कि कैसे हमें एक ड्रामेटिक फील देना है, कैसे पत्ते उड़ाना है, और जितनी भी सिनेमाटोग्राफी आपने देखी है, ये सभी कुछ हम मोबाइल से करेंगे। तो चलो, वीडियो को थोड़ा सा व्लॉग वाली फील देते हैं और फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हाँ सबसे पहले चलना है अपनी लोकेशन पर। ओके गाइस, तो अभी हम लोग अपनी लोकेशन साइट पर आ चुके हैं। चलो इधर, तो पुष्पा के साथ हम लोग आ चुके हैं। और जो मौसम है यहाँ का, आप देख सकते हैं बहुत ही खतरनाक हो रहा है, बर्फ बर्फ भी गिर रही है। हाँ बिल्कुल सेम ऐसे ही भागना है तुम्हें। अरे पेड़ है, अरे कितना। तो अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं कि हमें कौन सा पेड़ लेना चाहिए। जो पहला सीन आपने देखा, जो टीजर का है, पहले सबसे पहले पेड़ दिखता है, शायद ये वाला या फिर ये वाला। ओके ये वाला ठीक है, यहाँ पर करेंगे शूट। ठीक है, तो अभी हमारे शूट का पहला सीन कंप्लीट हो चुका है, जहां पर एक पेड़ है और जो कैमरा है हमारा वो ऊपर की तरफ जा रहा है। और मैंने इसको 60 fps पर शूट किया है, ताकि अगर हमें वीडियो एडिटिंग के टाइम इसे स्लो करने की ज़रूरत पड़े तो हम इसे थोड़ा सा स्लो कर सकें। तो सेम ऐसे ही नेक्स्ट सीन को भी शूट कर लेना है, जहाँ पर थोड़ा पानी वगैरह दिख रहा हो, उसको भी 60 fps पर शूट कर लिया था मैंने। तो अब जो हमारा मेन सीन है, जहाँ पर हमारी पुष्पा भाई जो हैं वो पैर मारकर जा रहे हैं और पत्ते हवा में उछल रहे हैं, एकदम ड्रामेटिक फील आ रहा है, वो सीन कैसे क्रिएट करना है। तो देखो भाई, किसी भी चीज़ को सिनेमैटिक फील देने के लिए थोड़ी सी तो मेहनत करना ही पड़ती है, थोड़ा ड्रामेटिक बनाना पड़ता है। ऐसे ही क्रिएट नहीं हो जाए कि बस आपने कैमरा उठाया और वीडियो रिकॉर्ड कर दी। तो थोड़ा सा यहाँ पर मेहनत करना पड़ेगी, जैसा कि यहाँ पर हमारे पुष्पा भाई भी साथ में कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कुछ पत्ते वगैरह इकट्ठा कर लिए हैं, और उसे बिल्कुल एक जगह पर इकट्ठा नहीं करना है, थोड़ा फैला फैला के करना है, ताकि हमारी ज़मीन पर ये ना लगे कि सारे पत्ते एक ही जगह पर हो गए। और जो मेन चीज़ है यहाँ पर, वो है डायनामाइट, मतलब लकड़ियों का डायनामाइट। तो यहाँ पर एक डायनामाइट बना रहे हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है, एक ऐसे लकड़ी लगाई जहाँ पर नीचे एक थोड़ा सा ईंट का टुकड़ा रख दिया है, और ऐसे एक लकड़ी लगाई, उसके ऊपर दो लकड़ियाँ ऐसे ऐसे लगा दी। अब क्या होगा, जो हमारा पुष्पा है वो जो पैर लाएगा, जब मारेगा पत्तों पर, तो वो इस लकड़ी पर मारेगा और उससे बाकी जो लकड़ियाँ हैं वो उछलेंगी, और उसके साथ में सारे पत्ते बूम हवा में। एक्शन एक्शन। तो अभी हम लोगों के 3 रीटेक हो चुके हैं, लेकिन अभी तक परफेक्शन नहीं मिला है। अभी हमारा 4th रीटेक है, अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। होपफुली सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि यार बहुत मेहनत लग रही है इस सीन को क्रिएट करने में। और हमारे जो जाबाज सिपाही हैं और ये जो नकली पुष्पा है, इसको भी हम मेहनत करवा रहे हैं, क्योंकि बजट इतना लो है भाई, क्या बताएं। तो देखने में तो ये भी बहुत ज़्यादा आसान लग रहा है, लेकिन भाई ये एक बार में रिकॉर्ड नहीं हुआ था, कम से कम 4-5 टेक्स लेना पड़े थे हम लोगों को, तब जाके हमने ये सीन को रिकॉर्ड किया है। तो इस सीन को हमने रिकॉर्ड किया है स्लो मोशन में, जो कि मेरा फ्रेम रेट है वो है 240 fps। अगर आपके पास 480 fps है तो आप उस पर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, 120 है तो आप उस पर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो भाई, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो इस सीन के लिए यार एक लाइक तो बनता ही है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और बाद में शेयर भी कर देना। एंड द नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हमारा जो पुष्पा है वो थोड़ा सा रिवील दिख रहा है, मतलब उसकी बॉडी दिख रही है और उसके हाथ पीछे बंधे हुए हैं और वो जा रहा है, लेकिन झुका हुआ है, अभी बोल रहा था कि झुकेगा नहीं। तो अभी हम इस सीन को भी रेडी कर लेते हैं, और पुष्पा के हाथ पैर बांध, नहीं पैर नहीं बांधना यार, फिर भागेगा कैसे। तो खाली हाथ बांध लेते हैं और मुंह भी छुपा देना है, और थोड़ा सही से छुपाना, ताकि थोड़ा बहुत दिखता रहे, वरना भाई अगर गिर गया तो दिखना ही बंद हो जाएगा। अरे यार, नोड़ी लग रही है।
तो इस सीन में भी हमें पत्ते उड़ाना है और आपको एक और बंदे की ज़रूरत पड़ेगी जो कि फ्रेम में तो नहीं दिखेगा पर उसका काम होगा सिर्फ पत्ते उड़ाना। तो यहाँ पर जो फ्रेमिंग मैंने की है वो मैंने ऐसे की है इस साइड से जैसे कि आप देख रहे हैं, और साइड से जो हमारा एक बंदा है वो पत्ते उड़ा देगा लेकिन वो फ्रेम में दिखेगा नहीं, और जो मैं रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ उसको भी मैं स्लो मोशन में रिकॉर्ड करूँगा। ओके, तो अभी सारे शूट कंप्लीट हो चुके हैं, अब हमें एक जंप वाला शूट चाहिए जिसके लिए हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं लोकेशन देखने। हमें थोड़ी ऊंची चीज़ चाहिए होगी जहाँ से हमारा जो नकली पुष्पा है वो जंप करेगा। असली से ज़्यादा खतरनाक। और सुनो, लकड़ियाँ कर लेना शाम के लिए, चूल्हा कहाँ जले तुम्हारा। हाँ, तो ये है लोकेशन, बहुत बढ़िया। ओके गाइस, तो शूट करते करते अभी हम लोगों को लगभग 2 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी सारा शूट बाकी। ओके गाइस, तो अभी शूट करते करते हम लोगों को 2 घंटे से ज़्यादा हो गए लेकिन शूट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। भाई बहुत मुश्किल है, हम लोगों ने समझा था बहुत ज़्यादा आसान होगा और 2 मिनट में करके चले आएंगे, और शूट करते करते इसके अंदर पुष्पा की आत्मा आ गई। भाई ज़बरदस्ती कुल्हाड़ी वापस लेना पड़ी इससे, देख लो नहीं। तो अभी जंप वाला भी सीन रिकॉर्ड हो चुका है और इसको भी मैंने स्लो मोशन में रिकॉर्ड किया था। अब कुछ डायलॉग्स वगैरह हैं जिसकी लिपसिंग वगैरह आजकल तो सभी कर लेते हैं रिकॉर्ड। प्ले करो। थोड़ा चल के मारना, हाथ उठाना। तो अब जो लास्ट सीन है वो भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, जहाँ पर हमारा ये एक्टर है वो कुल्हाड़ी फेंक कर मार रहा है और वो पेड़ में जाकर लग रही है। तो ये रियल लाइफ में ऐसे थोड़ा इम्पॉसिबल सा है जिसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन भाई ये सिनेमेटोग्राफी है, इसमें हम लोग कुछ भी दिखा सकते हैं। तो पहला सीन ऐसे रिकॉर्ड कर लिया है पेड़ की तरफ कुल्हाड़ी फेंक कर, अब वो चाहे वहाँ पर जाकर लगे या ना लगे उससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है। अब जो मेन सीन है यहाँ पर वो ये है जिसे हम इस तरह से शूट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखिए, जो मैंने फ्रेमिंग है वो पहले से सेट कर रखी है, जहाँ पर हमारे एक्टर का जो हाथ है वो नहीं दिखेगा फ्रेम में कुल्हाड़ी मारता हुआ। उसके बाद जैसे ही वो कुल्हाड़ी वहाँ पर लगा देगा वैसे ही हमें कैमरे को उस एक्टर के हाथ को फ़ौरन वहाँ से हटा देना है और कैमरा पीछे करते हुए चले आना है। तो शूट अभी कंप्लीट हो चुका है, कोई भी ऐसा सीन नहीं है हमारा जो सिंगल शॉट में रिकॉर्ड हो गया हो, सब में 3-3, 4-4 या फिर 5 भी रिटेक लेना पड़े। अब बारी आती है वीडियो एडिटिंग की, जहाँ पर सबसे मेन चीज़ है कलर ग्रेडिंग। तो वीडियो एडिटिंग के लिए हम यहाँ पर काइनमास्टर यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप लोग चाहें VN वीडियो एडिटर को यूज़ करना तो आप उससे भी सेम ऐसे ही वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो अभी हम काइनमास्टर को ओपन कर लेते हैं, और जैसा कि आप लोग पता है काइनमास्टर में हम बहुत कुछ एडिट कर सकते हैं और मैं इस पर बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं और उसमें बहुत सारी वीडियोस होंगी जो कि आपको पसंद आएंगी, तो आप देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको न्यू प्रोजेक्ट ले लेना है और अपनी सभी वीडियोज़ को इम्पोर्ट कर लेना है, और जो हमने स्लो मोशन में रिकॉर्ड की थी जो कि 240 FPS पर आएँ, अगर वो वीडियोस आपसे इंपोर्ट नहीं हो रही हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बैक आ जाना है और यहाँ पर काइनमास्टर की सेटिंग में चले जाना है, और सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा उसमें चले जाइए। अब यहाँ पर जो 240 FPS का ऑप्शन है इसको आपको इनेबल करके रखना है, तभी आप स्लो मोशन वाली वीडियोज़ को इम्पोर्ट कर सकते हैं विद 240 FPS। सभी वीडियोस को इंपोर्ट करने के बाद आपको सभी वीडियोस का जो साउंड है उसको म्यूट कर देना है इस साउंड वाले ऑप्शन में जाकर। अब यहाँ पर आपने जो भी 240 FPS या फिर 120 FPS पर स्लो मोशन रिकॉर्ड किया था या फिर 60 FPS पर वीडियोस रिकॉर्ड की थी उन्हें हमें स्लोमो कर लेना है। तो स्लो मोशन करने के लिए आपको अपनी वीडियो पर क्लिक कर लेना है और स्पीड वाले ऑप्शन में आ जाना है। अब अगर आपने 60 FPS पर शूट किया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 0.5x तक ही कर सकते हैं, उससे नीचे आप इसे स्लोमो करना चाहेंगे तो आपकी वीडियो अटकने लगेगी। और जो 120 FPS पर शूट की गई वीडियोस हैं जो कि स्लो मोशन होती हैं उन्हें हम 0.124 तक स्लो डाउन कर सकते हैं, और जो 240 FPS तक वीडियोस हैं उन्हें हम 0.125 तक कर सकते हैं। वीडियो म्यूट करने के बाद स्लो मोशन लगाने के बाद अब हमें इसमें साउंड भी लगा लेना है, हमें यानी म्यूज़िक ले लेना है जो भी हम इस पर लगाना चाहते हैं। तो अगर आप अपने हिसाब से कोई भी बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना चाहते हैं तो आप इस ऑडियो वाले ऑप्शन में जाकर लगा सकते हैं, लेकिन मेरी तरह अगर आप किसी वीडियो से लेना चाहते हैं, किसी ट्रेलर से लेना चाहते हैं, तो आपको उसे एज अ वीडियो लेयर इम्पोर्ट कर लेना है उस वीडियो को,
इंपोर्ट करने के बाद आपको साइड में कुछ ऑप्शन मिल रहे होंगे, आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो में से जो ऑडियो है वो अलग हो जाएगी। अब आप वीडियो को डिलीट कर दीजिए, आपकी सिर्फ ऑडियो रह जाएगी। और अगर आप इस वीडियो को VN वीडियो एडिटर पर एडिट कर रहे हैं तो उसमें भी सेम आपको ऐसा ही ऑप्शन मिल जाएगा। अब जो मेन चीज़ है हमारी यहाँ पर वो है वीडियो को सिंक कराना अपने ऑडियो के साथ में, उसी के बाद ही आपकी वीडियो में थोड़ा सिनेमैटिक फील आएगा। तो यहाँ पर साउंड इफेक्ट पहले से ही लगे हुए हैं, उसी के हिसाब से मैं अपनी वीडियो को ट्रिम कर लेता हूँ। जितना जितना शॉट मुझे जहाँ पर चाहिए मैं उतना ट्रिम कर लेता हूँ। तो अभी मैंने दो वीडियो क्लिप को साउंड के हिसाब से ट्रिम कर लिया है। अब हमारी नेक्स्ट है वो है स्लो मोशन वाली। तो यहाँ पर जैसे ही पैर पत्तों पर लग रहा है उतना हिस्सा हमें फास्ट कर देना है। तो आपको स्प्लिट वाले ऑप्शन में आ जाना है और उतनी वीडियो को स्प्लिट कर लेना है। अब जो ये बीच की वीडियो हमने स्प्लिट की है इसमें हमें स्पीड वाले ऑप्शन में जाकर इसकी स्पीड बढ़ा देना है। तो सेम आपको ऐसे ही अपने म्यूजिक के हिसाब से अपनी वीडियोस को ट्रिम करते जाना है। अब जो डायलॉग्स वाला सीन है वो भी हमारे म्यूज़िक में लगा हुआ है पहले से, तो हमें यहाँ पर म्यूज़िक को ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी वीडियो को ट्रिम करके उससे सिंक कराना होगा। तो आप पहले अपनी टाइमलाइन को सही से जूम कर लीजिए ताकि आप एक एक फ्रेम कट कर सकें, और आप गौर से देख लीजिए वहाँ पर जो आपके लिप हैं वो सही से सिंक हो रहे हैं डायलॉग से या फिर नहीं। तो आपको उसी हिसाब से वीडियो को ट्रिम करते जाना है। तो इसको परफेक्ट एडिट करने के लिए बस एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो है टाइम। जितना आप टाइम यहाँ पर देके एडिट करेंगे उतना ही ज़्यादा परफेक्शन आपको मिलेगा। तो बाकी की जितनी भी वीडियोस हैं उनको मैं ट्रिम कर लेता हूँ। आपको यहाँ पर अब और कुछ नहीं करना है, सिर्फ ट्रिमिंग करना है, वो भी ध्यान से टाइम देकर। तो जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको मैं ट्रिम कर लेता हूँ और अपने म्यूज़िक के हिसाब से सेट कर लेता हूँ। पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं। तो अभी हमारी वीडियो में साउंड डिजाइनिंग हो चुकी है, हमारी वीडियो बिल्कुल रेडी है। बस दो चीज़ें बाकी हैं, एक है कलर ग्रेडिंग और दूसरा सिनेमैटिक फ्रेम। तो कलर ग्रेडिंग भी आप दोनों ही एप्लीकेशन से कर सकते हैं, आप काइनमास्टर से भी कर सकते हैं और VN वीडियो एडिटर से भी कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको काइनमास्टर में बता देता हूँ, सेम वैसे ही आपको VN में भी कर लेना है। तो आपको एक वीडियो क्लिप पे क्लिक कर लेना है और कलर फिल्टर वाले ऑप्शन में आ जाना है। अब आपको इसमें वार्म वाले कलर इफेक्ट्स पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद जो आप देख रहे हैं W03, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आप ओपेसिटी देख लीजिए आपको कितनी रखना है। इसके बाद आप अप्लाई टू ऑल कर दीजिए। अब ये वाला इफेक्ट आपकी सभी वीडियोज़ क्लिप में आ जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी कि किसी में ज़्यादा कलर दिखेंगे और किसी में कम। तो आपको क्या करना होगा, अलग अलग वीडियो क्लिप के हिसाब से अपने कलर सेट करना होंगे। आपको ओपेसिटी घटाना बढ़ाना होगी और उसके बाद आप ये जब सब कर लें फिर आपको अलग अलग वीडियो की एडजस्टमेंट में आ जाना है। वहाँ पर आप कलर एडजस्टमेंट कर सकते हैं, आप कंट्रास्ट कम कर सकते हैं, सेचुरेशन कम कर सकते हैं, वाइब्रेंसी कम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर भी आपको टाइम देना है, उसके बाद आपकी वीडियो में कलर ग्रेड हो जाएगा और देखने में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने लगेगी। इसके बाद आप लेयर वाले ऑप्शन में जाकर स्टिकर वाले ऑप्शन में आ जाइए और आपको सिनेमैटिक फ्रेम वाले ऑप्शन को इंपोर्ट कर लेना है। तो अब हमारी वीडियो पूरी कंप्लीट हो चुकी है और कलर ग्रेडिंग यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जल्दी में की है। अगर आप और भी ज़्यादा टाइम देंगे तो आप बहुत अच्छे से इसमें कलर ग्रेड कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपने लाइक तो कर ही दी होगी।
और अगर नहीं किया तो यार अब तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो। वीडियो को दोस्तों में शेयर कर देना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, सोशल मीडिया पर फॉलो कर लो, सभी का यूज़र नेम सेम है @techabuser। इंस्टाग्राम पर तो कर ही लो क्योंकि वहाँ पर मैं ऐसे कॉन्टेंट अपलोड करता रहता हूँ। पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं।